अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। जुन, तुम रहने दो, तुम्हारे हिस्से का काम मैं कर लूंगा। लेकिन जूजू भैया, इससे आपके भी तो आंखें जलेंगी। मेरे पास है ना चश्मा प्रोटेक्शन, तुम मेरी चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। ये मेरे सैड वाली याद है, हमेशा हमारे साथ बुरा होता है, कभी अच्छा नहीं होता। कितनी गंदी जगह है ये, अब हम हमेशा के लिए नहीं फंस गए। रिमझिम, ऐसे हिम्मत नहीं आती, तुम बस अम्बे माँ को प्रे करो, वो जरूर हमें बचाने के लिए किसी को भेजेगी। अम्मा गाड़ी मैनेजर साहब, मैं बाद में बात करता हूँ। मेरे बच्चों को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई? नमस्ते मिस्टर एंड मिसेस राठौर। आइए। हमें बहुत खुशी है कि आपने एडॉप्शन के लिए हमारे एनजीओ को चुना। आप लोग बैठिए ना। तुमको पूरा यकीन है ना कि तुम्हारा प्लान काम करेगा? 100%। बैठो। मैनेजर साहब, क्या हम उन बच्चों को मिल सकते हैं जिन्हें हम गोद लेने वाले हैं? बच्चों से मिलने से पहले आपको मेरे कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। तो बताइए, आप दोनों कैसे मिले? मेरा मतलब है कि आप लोगों की शादी कैसे हुई? जी जी, वो मेरी बिंदनी बनने से पहले ये मेरी पेशेंट थी। दरअसल मैं एक डॉक्टर हूँ। फिर? हाँ मैनेजर साहब, ये बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। 6 महीना मैं कोमा में थी, तब इन्होंने ही हमारा इलाज किया था। पेशेंट और डॉक्टर का रिश्ता बदला पहले दोस्ती के रिश्ते में। फिर जब मैं हमारी जिंदगी में जंग लड़ रही थी, तब इन्होंने ही एक सारथी बनकर हमारा साथ दिया। तब ते जब भी हमारे साथ कुछ गलत करते, तो उन्होंने मुझे हौसला दी, मेरे साथ खड़े रहे। हमारा ये दोस्ती का रिश्ता कब प्रेम में बदल गया, हमारे को पता ही नहीं चला। और अब हमारी ये शादीशुदा जिंदगी को पूरा करने के लिए हमारे को 2 प्यारे प्यारे बच्चे चाहिए। वाह, कितनी खूबसूरत कहानी है। मैं 1 मिनट में आया। हाँ ये कहानी जो अभी तुमने सुनाई, ये मेरी और विधि की कहानी थी। तुमको हम दोनों के बारे में कैसे पता? मैं एक आर्कियोलॉजिस्ट हूँ, गड़े मुर्दे उखड़ना पेशा है मेरा। सिर्फ हवेली के बारे में ही नहीं, बल्कि वहां पर रहने वाले हर एक इंसान पर रिसर्च की थी मैंने। इसलिए
मुझे तुम्हारी और तुम्हारी एक्स वाइफ की कहानी पूरी पता है। बस मैंने वो पार्ट नहीं बताया जहां तुमने उसे टेररिस्ट कहा था। जिस रिश्ते में इतना प्यार था, इतना भरोसा था, इतनी रिस्पेक्ट थी, अचानक तुमने उसको धोखे का नाम क्यों दिया? बोलो, क्या विधि ने सच में तुम्हें धोखा दिया है? क्या सच में वो एक आतंकवादी थी? मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। ठीक, अभी करता हूं। आप लोग इस फॉर्म पे साइन कर दीजिए, फिर मैं आपको ये पूरी बिल्डिंग दिखाता हूं। फिक्र मत कीजिए, बच्चे तो अब आपको मिल ही जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर पैसों की बात हो जाती तो क्या है ना कि एडॉप्शन के लिए लाइन बहुत लंबी होती है और आपको बच्चे चाहिए जल्द से जल्द, तो थोड़े पैसे तो खिलाने पड़ेंगे ना। तो बात पैसों की है। किस चीज की बुआ आ रही है यहाँ पर? ये तो बारूद की बुआ है, पर बारूद की बुआ यहाँ कैसे आ सकती है? फोन करता हूँ। Excuse me, ये बारूद की बू कहां से आ रही है? Thank you.
जूनियर। एनजीओ की आड़ में बच्चों से जानलेवा काम कराता है। छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। तुम मेरे बच्चे हैं, समझा? अभी पुलिस को बुला के तुझे अरेस्ट करवाता हूँ, समझा? बुलाओ बुलाओ, जिसको बुलाना है बुला लो। अरे वो संजीवनी मैडम ही थी जिन्होंने इन बच्चों के बारे में हमें टिप दी थी और उन्हें यहाँ लाने के लिए भी कहा था। झूठ बोल रहे हो तुम। अरे वो एक खुद पुलिस वाली, वो ऐसे क्यों करेगी? एक काम करती हूँ, मैं ही उन्हें फोन करके यहाँ बुलाती हूँ। बहुत हो गया तुम लोगों का, कोई भी पुलिस को फोन नहीं करेगा। संजीवनी मैडम को नहीं पता है कि मैं एनजीओ की आड़ में इन बच्चों से ये सब करवाता हूँ। अगर पुलिस को इस बात की जरा भी भनक लगी तो वंश को गोली कैसे लग गई? विधि विधि, ये सब क्या हुआ? जिंदगी में कदम कदम पे मैंने धक्के ही खाए, फिर भी आप पर विश्वास करने की हिम्मत की और आपने भी मेरा भरोसा तोड़ दिया। आप ही ने उन लोगों को मेरे बच्चे की टिप दी ना? देखिए वहाँ किस जहन्नुम में भेजा है आपने मेरे बच्चों को। अरे अपने स्वार्थ और अपने मिशन के लिए आपने डॉक्टर साहब की जिंदगी दांव पर लगा दी। देखिए ना वहाँ, देखिए। मुझ पर एक आखिरी एहसान कर दीजिए, मेरे बच्चों को सही सलामत हवेली छोड़ दीजिए। मैं डॉक्टर साहब को हॉस्पिटल लेकर जा रही हूँ। चलो मेरे साथ, उठो। बच्चों, आप दोनों इस आंटी के साथ घर जाओ और आप पापा की फिक्र मत करें, मैं उन्हें लेकर आ जाऊंगी। वो जल्दी ठीक होकर घर वापस आ जाएंगे। हाँ ठीक है, जाओ। और एक बात, घर में किसी को भी पापा के बारे में मत बताना, सब सुनेंगे तो बहुत टेंशन में आ जाएंगे ना। हाँ ठीक है मौली आंटी। अब जाओ। वंश उठो, वंश आंखें खोलो, वंश मुझे देखो, वंश देखो प्लीज। आज इस हवेली में रहने का असली मजा आ रहा है ना, बच्चों की पग पग ना वंश की किच किच। सिया, ये क्या कर रही है? पता है ना तुझे
कि ऐसी हालत में शराब नहीं पीते हैं? क्या बेबी, मैं इतनी अच्छी एक्ट्रेस हूं क्या कि मुझे इतने अच्छे से जानने के बावजूद भी आप ये समझ नहीं पाई कि ये प्रेगनेंसी ये सब नाटक है? What? शूट मतलब आप प्रेग्नेंट नहीं है? Of course, नहीं हूं। उस विधि माथुर ने तो मेरा दिमाग ही खराब कर दिया था उस नकली हॉस्टल के बारे में पूछ पूछ के। बताओ सिया, बताओ सिया, कैसे पता चला? बताओ बताओ बताओ। इसीलिए उस वक्त मुझे ये प्रेगनेंसी का बहाना ही सूझा। इसके अलावा और कुछ समझ ही नहीं आया। बहुत सही समझ में आया, क्या दिमाग पाया है। अच्छा बेबी, अब मुझे आराम से अपनी ये ड्रिंक ना बच्चों की पग पग ना वंश की किच किच और ये शांत हवेली एंजॉय कर लीजिए। प्लीज मिसेस रघुवंशी। मेरे बच्चे? यस मिसेस रघुवंशी, आपके बच्चे जिस एनजीओ में थे वहाँ उनसे खतरनाक बारूद से पटाखे बनाने का काम करवाया जा रहा था, लेकिन अब मैंने उस एनजीओ को बंद करवा दिया है और अब आपके बच्चे आपके पास हैं, सुरक्षित। भगवान का लाख लाख शुक्र है। कि मेरे बच्चे सही सलामत वापस आ गए। आंटी, आज तो आदमी से पापा जैसी स्मेल आ रही है। पापा जैसी स्मेल मतलब? वो पापा कुछ पीते हैं ना रोज रात को, जिसकी स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। मिसेस रघुवंशी, आप आइए हमारे साथ, कुछ बात करनी है। मिसेस रघुवंशी, आपने शराब पी? वो मैं है। जी 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 जी, कैसी बात कर रहे हैं आप? ये और शराब? शराब को तो हाथ भी नहीं लगाती है। वंश की आलमारी साफ कर रही थी और आलमारी साफ करते हुए शराब की बोतल इसके हाथ से गिर गई और पूरे कपड़े में आ गई, इसीलिए आपको महक आ रही होगी शराब की। वंश, वंश आंखें खोलो, वंश, वंश आंखें खोलो प्लीज। वंश, उठो जल्दी, हमें हॉस्पिटल जाना है। देखो तुम्हारा खून बहुत बह रहा है, चलो वंश उठो, चलो ना, हमें हॉस्पिटल जाना है वंश। हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा, हॉस्पिटल में मेरी सबसे बुरी यादें जुड़ी है। मुझे यही मरना मंजूर है, लेकिन मैं हॉस्पिटल में कदम नहीं रखूंगा। नहीं वंश, वंश सुनो मेरी बात, वंश वंश आराम से। वंश तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? अपनी इस जिद की वजह से तुम अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठोगी। गाड़ी की चाबी कहाँ? वंश बताओ गाड़ी की चाबी कहाँ है? गाड़ी की चाबी कहाँ है? ठीक है, तो मैं अभी एम्बुलेंस को फोन करके बुलाती हूँ। ये
ये क्या कर रहे हो तुम? मैंने कहा ना मुझे नहीं जाना हॉस्पिटल, मरने दो मुझे यहाँ। अगर तुम जिद्दी हो ना तो मैं तुमसे भी ज्यादा जिद्दी हूँ, पर मैं तुम्हें ऐसे मरने नहीं दूंगी। मैं खुद तुम्हारी गोली निकालूंगी। देखो तुम डॉक्टर हो, बताओ कैसे निकालते हैं गोली, बोलो ना। क्यों करके तुमने, क्या लगता होगा तुम्हारा? इस गोली पर मेरा नाम लिखा था पर तुमने अपने ऊपर ले ली। मुझे बचाकर खुद जख्मी होगा, ये वजह काफी नहीं है क्या तुम्हारी जान बचाने के लिए? पंच बताओ ना प्लीज, कैसे निकालते हैं गोली? चाकू गरम कर। इससे कहीं ज्यादा दर्द लेके जी रहा हूं मैं, इसे भी सह लूंगा। लगाओ। इंजेक्शन से वंश को गुस्से का ऐसा दौरा पड़ेगा कि विधि के सारे शक हवा हो जाएंगे। मुझे मौली आंटी को सब कुछ बताना होगा। मौली आंटी, मुझे आपको एक इम्पोर्टेंट बात बतानी है। वो सी आंटी। इस इंजेक्शन से वंश को गुस्से का ऐसा दौरा पड़ेगा कि विधि के सारे शक हवा हो जाएंगे। मुझे मौली आंटी को सब कुछ बताना होगा। मौली आंटी, मुझे आपको एक इम्पोर्टेंट बात बतानी है। वो सी आंटी।